दुनिया इस समय कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है। कोरोना की वजह से लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन है। सड़कों पर एक भी वाहन नजर नहीं आ रहा। इमारतें बनाने का काम भी नहीं चल रहा, ना कोई प्रदूषण फैलाने वाला काम। लॉकडाउन की शुरुआत चीन ने की थी, अब पूरी दुनिया कर रही है। जहां इस लॉकडाउन को लोग एक तरफ परेशानी बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिला है। दरअसल इससे ओजोन लेयर में बना छेद अब भर रहा है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डन ने रिसर्चर्स के द्वारा पता लगाया है कि पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में स्थित अंटार्कटिका के ऊपर बने ओजोन लेयर का छेद अब भर रहा है, क्योंकि चीन की तरफ से जाने वाला प्रदूषण अब उधर नहीं जा रहा है। बता दें कि दुनिया भर में लॉकडाउन से पहले धरती पर प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा था। पृथ्वी के ऊपर चलने वाली जेट स्ट्रीम यानी ऐसी हवा जो कई देशों के ऊपर से गुजरती है, वो ओजोन लेयर में छेद की वजह से पृथ्वी के दक्षिण हिस्से की तरफ जा रही थी, लेकिन अब वो पलट गई है। यूनिवर्सिटी की रिसर्चर अंतरा बनर्जी ने बताया कि ये एक अस्थायी बदलाव है, लेकिन अच्छा है। इस समय चीन में हुए लॉकडाउन की वजह से जेट स्ट्रीम सही दिशा में जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम है, इसलिए ओजोन का घाव भर रहा है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.